कार्यकर्ताओं व महिला संगठन ने योगी सरकार की सद्बुद्धि हेतु मिलकर किया हवन पूजन। जी हाँ, माँ गंगा में डुबकी लगाई। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना दारागंज के संगम क्षेत्र अंतर्गत, जहां आम आदमी पार्टी प्रयागराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व महिला संगठन द्वारा मां गंगा में डुबकी लगाकर योगी सरकार के अंधे रवैये को व कुशासन के खिलाफ सद्बुद्धि हेतु आध्यात्मिक विरोध प्रदर्शन किया गया। यज्ञ की आहुतियां जिला महासचिव सर्वेश यादव और सानिया मिर्जा द्वारा क्रियान्वित की गई। उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह के आह्वान पर आप सदर जिला इकाई ने बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध जैसे बलात्कार और हत्या आदि बढ़ते हुए मामले को लेकर जबरदस्त आध्यात्मिक विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने कहा कि हे माँ भगवती, हे गंगा मैया, योगी सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि माँ बहनों व बेटियों को कोई चीरहरण न कर पाए और सदा के लिए हमारी लाज बच जाए। गंगा मैया, अगर सद्बुद्धि देने के बावजूद भी यह अंधी सरकार बेटियों की लाज न बचा पाए तो इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। वही राष्ट्रीय परिषद की सदस्य शिमला श्री तथा महिला शक्ति अध्यक्ष पूनम सिंह सानिया मिर्जा ने भी गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखते हुए हवन पूजन की और माँ गंगा में डुबकी लगाई और प्रार्थना की। प्रयागराज के सभी कार्यकर्ताओं और महिला संगठन ने मिलकर आध्यात्मिक विरोध प्रदर्शन करते हुए संगम में 5 बार डुबकी लगाई और हवन पूजन किया और महिला शक्तियों ने माँ दुर्गा के तेवर में माँ गंगा से प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बुद्धिहीन हो चुकी है उसे सद्बुद्धि दे ताकि प्रदेश में व्याप्त लूट, बलात्कार, हत्या आदि जैसे जघन्य अपराध का खात्मा हो। हवन पूजन व डुबकी लगाने में प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विजय सक्सेना और प्रदेश सचिव युद्ध आकाश आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। ये प्रयागराज से कुमार मनोज सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग माँ गंगा मैया के शरण में आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार होती चली जा रही है। बलात्कार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई एक मामूली सा खेल सा बन गया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके खुद के नेता, इनके खुद के मंत्री, इनके खुद के विधायक और सांसद भी बलात्कार जैसे गंभीर आरोप में फंसे हुए हैं और योगी सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग आज माँ गंगा मैया के शरण में आए हैं और हवन करके हम लोग उनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि गंगा मैया उनको सद्बुद्धि दे और कुछ थोड़ा सा दर्द का एहसास होए, क्योंकि वो भी एक महिला के ही पुत्र है जिन्होंने उनको जन्म दिया। उसके बाद भी अगर वो एहसास नहीं कर रहे हैं और रात में 2 बजे एक बच्ची को ज़बरदस्ती बगैर किसी संस्कार के और उसको जो है जला दिया जाता है, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं और हम लोग इसीलिए आज ये प्रार्थना करने आए हैं गंगा मैया के पास कि उनको योगी जी को सद्बुद्धि दे। आज हम लोगों ने स्नान किया गंगा मैया का और हवन किया और उसके साथ साथ हम लोग ने प्रार्थना किया कि योगी जी को गंगा मैया सद्बुद्धि दे और बेटियों को इंसाफ मिल सके। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज।